विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चलाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसमें मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव में घूम रही है और ये गाड़ी बता रही है कि पिछले 10 सालों में देश की जनता ने अपार जन समर्थन से मोदी सरकार बनाई, तो किस तरह से मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों को पक्का घर बना कर दिया। 18,500 गाँव में हर गाँव हर घर को, जो अभी तक बिजली से वंचित थे आज़ादी के बाद, उनको बिजली दिया। देश के सभी गांवों में सभी घरों में अनिवार्य रूप से हर घर नल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रही है सरकार। हर गरीब को इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया। हर गरीब के घर में शौचालय बना कर दिया। हर गरीब महिला को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया। कोविड से देश को बचाया ही नहीं, भविष्य में बचाने के लिए देश के 130 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण किया। और पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज प्रति यूनिट 5 किलो दे रहे हैं, जो अगले 5 साल तक देंगे। देश को चंद्रमा पर ले गए, मंगल पर ले गए, सूर्य पर ले जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया, दिव्य भव्य प्रयागराज का कुंभ लगा। ऐसे बहुत सारे काम जो पिछले 10 साल में देश में हुए हैं, पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इन कामों को, इन योजनाओं को बताने के लिए गाड़ी घूम रही है। इसलिए घूम रही है कि जनता जागरूक हो, और अगर कोई अभी मोदी सरकार की किसी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया हो तो वो भी उसका लाभ उठाए। इसलिए पूरी की पूरी सरकार गांव में उतर आई है, हम सब लोग भी जनता की सेवा में निकल पड़े।